हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखिए मॉन्टक्स गर्ल्स ब्लाउज की कटिंग और इसकी सिलाई बताऊंगी। देखिए यह एक लहंगे का ब्लाउज है, तो लहंगे की कटिंग और इसकी सिलाई मैंने पहले ही बता दिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो देखिए, कटिंग करने से पहले आप यहाँ पर मेजरमेंट समझ लीजिए। जो मैं ब्लाउज बना रही हूँ लगभग 12-13 साल की लड़की का है, जिसका मेजरमेंट है देखिए, शोल्डर है 13 इंच, चेस्ट 27 इंच है, वेस्ट है 25 इंच और ब्लाउज की टोटल लंबाई रहेगा 13 इंच। तो सबसे पहले देखिए इसे लाइनिंग को टू फोल्ड कर लेंगे चेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद देखिए यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज की टोटल लंबाई है 13 इंच, तो उससे देखिए हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ऐसे 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा लेंगे। तो देखिए जितना मैंने मेजरमेंट लिया है, मैंने पूरा मेजरमेंट बॉडी से लिया है, तो बॉडी के अकॉर्डिंग शोल्डर है देखिए 13 इंच, तो उसमें 1 इंच और प्लस कर लेंगे सिलाई के लिए, तो 14 इंच हो जाएगा। तो उसका हाफ करेंगे तो ये 7 इंच आएगा। तो देखिए यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए अगर कॉलर नेक होता तो 7 इंच पे ही कटिंग करते, लेकिन ये बोट नेक है तो यहाँ पे 1 इंच कम कर लेंगे, और यहाँ पे आर्म होल ऐसे 5.5 इंच रख लेंगे और इस प्रकार देखिए सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो बॉडी के अकॉर्डिंग चेस्ट है 27 इंच, तो उसका 1/4 ये 7.5 इंच आएगा, और उसमें 1/2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे ऐसे, और उसके बाद ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कमर का भी निशान लगा लेंगे। तो कमर का 1/4 ये 6.5 इंच हो गया, और उसके बाद 1 इंच मैंने डांट के ले लिया है, और फिर 1.5 इंच ये सिलाई मार्जिन। अब देखिए दोनों निशान को इस प्रकार मिला लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐसे आर्म होल की गोलाई कर लेंगे, और उसके बाद देखिए ऐसे आर्म होल की गोलाई कर लेंगे। तो इस निशान पे ऐसे देखिए ये बैक पार्ट की कटिंग होगा, और फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे देखिए लगभग 1/4 इंच ऐसे अंदर से निशान लगाएंगे तिरछे में, और उसके बाद ऐसे गोलाई करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे देखिए फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गोलाई होगा। अब देखिए यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो गले की विड्थ मैं देखिए ऐसे 2.5 इंच रखूँगी, और इसकी लंबाई यहाँ पे देखिए 4 से 4.5 इंच तक ऐसे रखते हुए गले का शेप दे देंगे। तो जैसा आपको गला यहाँ पे पसंद है उस तरीके से आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। अब देखिए ये बोट नेक ब्लाउज है, तो यहाँ पे 1/2 इंच ऐसे शोल्डर को डाउन करते हुए कटिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार देख सकते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गया। अब देखिए बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट ये पीछे से ओपन है, तो 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रख लेंगे सिलाई के लिए, और इतना ऐसे छोड़ते हुए देखिए फ्रंट पार्ट को ऐसे रखेंगे, और उसके बाद देखिए ऐसे सेम बराबर कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट गया। अब देखिए बैक में भी गले का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ भी मैंने गले की विड्थ 2.5 इंच लिया है, और लंबाई भी देखिए इसे 2.5 इंच लेते हुए मैंने गोलाई कर लिया है। और उसके बाद देखिए नीचे की तरफ जैसा आपको शेप पसंद है वैसा आप बना सकते हैं। मुझे देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ डोरी लगाना है, तो मैंने इस तरीके से ऐसे शेप दिया है। यहाँ पे आपको जैसा शेप पसंद हो वैसा आप बना सकते हैं। तो देख सकते हैं ये पूरा मार्किंग हो गया है। अब देखिए यहाँ पे डांट के लिए निशान लगा लेंगे। तो देखिए ये जो फिटिंग के लिए लिया है मैंने, उसको ऐसे छोड़ते हुए नापेंगे, और जितना आता है उसका हाफ करेंगे, और यहीं पर देखिए टक्स लग जाएगा। अब देखिए सेम निशान पर ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बैक में गले की कटिंग हो गई। अब देखिए फ्रंट में भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट में यहाँ पे डांट के लिए निशान लगा लेंगे। तो फोल्डेड साइड से इसे 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और नीचे से देखिए इसे 4 से 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यानी कि देखिए अगर ऊपर से इसे देखा जाए तो ये निशान मैंने 9 इंच पर लगाया है। तो देखिए सेम निशान पे मैंने गले की कटिंग कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे साइड से भी लगभग 1/2 इंच ऐसे तिरछे में कटिंग कर दूंगी। ऐसे कटिंग कर देने से नीचे से स्ट्रेट रहता है, तो अच्छा दिखता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं लाइनिंग पे कटिंग हो गया। अब देखिए मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। तो इसको इस प्रकार फोल्ड करते हुए रखेंगे ऐसे, और बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे लाइनिंग को रखते हुए देखिए सेम बराबर कटिंग कर लेंगे। अब देखिए हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे देखिए बैक पार्ट तैयार कर लेती हूँ। तो बैक पार्ट ये पीछे से ओपन है, तो देखिए दोनों को मैंने ऐसे बीच से अलग कर लिया है। अब इसका सीधा साइड ऐसे ऊपर करते हुए रखेंगे, देख सकते हैं ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे लाइनिंग को रखते हुए देखिए ऐसे गले के किनारे किनारे सिलाई कर देंगे। यानी कि गले के शेप में देखिए यहाँ पे ऐसे सिलाई कर लेंगे, और नीचे की तरफ जैसे मुझे यहाँ पे देखिए डोरी लगाना है, तो
तो ये मैंने रेडीमेड डोरी लिया है। देखिए इसको अभी ही यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। अभी अटैच कर देते हैं तो देखिए इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है और ये ऊपर से दिखाई नहीं देता। तो देखिए इसको ऐसे अंदर की तरफ से रखते हुए डोरी को यहाँ पे इस प्रकार सिलाई करते हुए इसको अटैच कर लेंगे। और सिलाई करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे और पूरे गोलाई में इस प्रकार कट लगा लेंगे। अब देखिए कपड़े को ऐसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसे गले के किनारे किनारे पूरे में सिलाई करेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। और उसके बाद ऐसे साइड से भी सिलाई कर लेंगे ताकि ये लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों एक साथ अटैच हो जाए। और सिलाई करने के बाद देखिए ऐसे मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा हो जाता है तो ऐसे कटिंग करके लाइनिंग के बराबर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे टक्स लगा लेंगे तो जितना ये फिटिंग के लिए मैंने लिया है उसको ऐसे छोड़ते हुए हाफ करेंगे और यहीं पे टक्स आएगा। तो पहले देखिए मैं ऐसे सीधे में सिलाई कर लेती हूँ। तो ऐसे सिलाई कर लेते हैं तो जब हम टक्स के लिए ऐसे फोल्ड करते हैं तो देखिए दोनों कपड़ा अच्छे से पकड़ में आता है। तो ये देख सकते हैं ये टक्स लग गया है। अब देखिए टक्स को यहाँ पर दबाने के लिए इसके ऊपर एक सिलाई करेंगे। तो ये देख सकते हैं इसी प्रकार ये मैंने दोनों साइड का पल्ला तैयार कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हुक और आई की पट्टी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये काज वाली पट्टी ये मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों लिया है और ये हुक वाली पट्टी ये मैंने सिंगल लिया है। तो इसकी चौड़ाई ये मैंने 2 इंच लिया है और ये देखिए काज वाली पट्टी की चौड़ाई ये मैंने 3 इंच लिया है। तो अब देखिए इसको हुक वाली पट्टी को ऐसे रखेंगे सीधे साइड में और देखिए दोनों साइड से जो हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा है उसको ऐसे अंदर के साइड में फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। और फिर इस पट्टी को देखिए ऐसे सीधा करेंगे और इसके दबाते हुए इस प्रकार सिलाई कर लेंगे। और इसके बाद देखिए ऐसे हाफ इंच फोल्ड करेंगे और फिर इस पूरे पट्टी को ऐसे पूरा अंदर के साइड में फोल्ड करते हुए देखिए इसके ऊपर ऐसे किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। देख सकते हैं लगभग 1 इंच चौड़ी पट्टी ऐसे तैयार कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हुक वाली पट्टी तैयार करेंगे तो इसको ऐसे उल्टे साइड की तरफ रखेंगे, देख सकते हैं। और इसमें भी देखिए जो मैंने हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको ऐसे सीधे साइड में फोल्ड करते हुए यहाँ पे ऐसे सिलाई कर लूँगी। और सिलाई करने के बाद इस पट्टी को इस प्रकार सीधा करेंगे और यहाँ से किनारे से पहले हाफ इंच ऐसे फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद देखिए इसको एक फोल्ड और करेंगे ऐसे मार्जिन को ढकते हुए और यहाँ पे ऐसे किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। और इसी सिलाई से आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे काज बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हुक लग जाएगा। तो फिलहाल मैंने देखिए एक मोटी वाली सिलाई करते हुए इसको अटैच कर लिया है और यहाँ पे देखिए मैं लटकन लगा लूँगी। तो इस प्रकार देख सकते हैं ये बैक पार्ट तैयार हो गया। अब देखिए हम फ्रंट पार्ट तैयार कर लेंगे। तो ये फ्रंट का जो नेक है देखिए मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था तो मैंने हाफ इंच ये थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अब देखिए यहाँ पे मेन फैब्रिक को ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर ऐसे लाइनिंग को रखते हुए गले के किनारे किनारे ऐसे सिलाई कर लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे भी सिलाई कर लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे कट लगा लेंगे और गले के साइड में भी ये जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको कट करते हुए देखिए यहाँ भी कट लगा लेंगे। कट करने के बाद देखिए इसको सीधा करेंगे। तो सीधा करने से पहले देखिए यहाँ पे ऐसे बैक पार्ट को रखते हुए शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। अभी ऐसे ज्वाइंट करते हैं तो इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा आता है। और उसके बाद ऐसे लाइनिंग से ढकते हुए मार्जिन लाइनिंग के साइड में ही ऐसे करेंगे और इसके ऊपर ऐसे सिलाई कर लेंगे। यानी कि देखिए बिल्कुल इसी प्रकार ऐसे दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट कर लेंगे। और उसके बाद देखिए इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसे किनारे किनारे गले के किनारे किनारे ऐसे सिलाई कर लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे साइड में भी सिलाई कर लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे साइड में भी सिलाई कर लेंगे। देख सकते हैं ऐसे सिलाई करने के बाद यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट में मैंने आर्म होल का गहराव की एक कटिंग नहीं किया है लगभग 1.25 इंच तक। तो इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे टक्स लगा लेती हूँ। तो ये जो टक्स है देखिए इस निशान को पहले दोनों साइड में कर लेंगे और उसके बाद देखिए पहले इसके ऊपर से एक ऐसे सिलाई कर लेंगे।
देखिए पहले हम जब इसे सिलाई कर लेते हैं तो इस प्रकार फोल्ड करते हुए टक्स लगाते हैं तो दोनों कपड़ा अच्छे से पकड़ में आता है। तो देख सकते हैं ये दोनों टक्स कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इस टक्स को दबाने के लिए जो पहले वाली सिलाई है उसे लगभग 1 फुट ऊपर एक और सिलाई करेंगे ऐसे। अब देखिए अगर बाजू ज्वाइंट करना है तो यहाँ पे आप बाजू ज्वाइंट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर हाफ बनाना हो तो यहाँ पे देखिए फोल्डेड पट्टी लगाते हुए आर्म होल की फिनिशिंग कर सकते हैं। मुझे देखिए यहाँ पे फ्रिल लगाना है तो मैंने देखिए ये फ्रिल के लिए कपड़ा कटिंग किया है। तो देखिए ये मैंने 2 कलर का फैब्रिक कटिंग किया है, एक लहंगे में से कटिंग किया है मैंने कपड़ा। तो एक पट्टी की चौड़ाई देखिए इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है, और ये जो दूसरी पट्टी है इसकी चौड़ाई देखिए ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है यानी कि 4 इंच लिया है, और इसकी लंबाई देखिए ये 19 इंच लिया है। यानी कि देखिए इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, ऐसे आर्म होल को फोल्ड करते हुए रख लेंगे ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक नापेंगे यानी कि जितना देखिए फिटिंग के लिए रखना है उतना छोड़ते हुए आपको ऐसे नाप लेना है। तो देखिए मैं यहाँ तक ही फ्रिल लगाऊंगी तो यहाँ से यहाँ तक ही मेरा 6 इंच आया, तो 6 का 3 गुना लेंगे यानी कि 6 इंच का 3 गुना, ऐसे लगभग 18 इंच कपड़ा हमें चाहिए। तो उसी प्रकार ये मैंने देखिए कपड़ा लिया है लंबाई में यानी कि लगभग 19 इंच, और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक साइड से ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे या फिर इस प्रकार ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये मैंने दोनों पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब देखिए इसको ऐसे रखेंगे यानी कि दोनों पट्टी को ऐसे दूसरे साइड से बराबर करते हुए रखेंगे, और यहाँ पे ऐसे सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद देखिए यहाँ पे बराबर ऐसे नहीं है तो पहले बराबर कटिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे फ्रिल बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने पूरे में फ्रिल बना लिया है। देखिए फ्रिल बनाने के बाद यहाँ पे ऐसे गोलाई में कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से, और उसके बाद देखिए फ्रिल को ऐसे फोल्ड करेंगे बीचों बीच, और फ्रिल का सेंटर और ये जो शोल्डर वाली सिलाई है देखिए दोनों को ऐसे मैच करते हुए रखेंगे, और यहीं से ऐसे सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार ये मैंने दोनों साइड में ये फ्रिल लगा लिया है। अब देखिए इसको ऐसे बीचों बीच फोल्ड करेंगे यानी कि इसका सीधा साइड ऐसे ऊपर करते हुए इस प्रकार फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे देखिए ऐसे साइड से सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं सिलाई करने के बाद यहाँ पे सिलाई से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको ऐसे कटिंग करके अलग कर लेंगे, और फिर ब्लाउज को ऐसे उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद देखिए इसके ऊपर एक और सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार सिलाई करते हैं तो सिलाई मार्जिन ये अंदर की तरफ छुप जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे फिटिंग लगा लेंगे तो जितना आपको यहाँ पे कमर के पास रखना है, जैसे मुझे देखिए 25 इंच तैयार रखना है पूरी गोलाई, तो 25 इंच का हाफ लूँगी तो ये 12.5 इंच आएगा। तो ऐसे सेंटर में 12.5 इंच रखते हुए दोनों साइड से जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है देखिए यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और उसी प्रकार देखिए यहाँ पे चेस्ट के पास भी निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मुझे 14 इंच रखना है, तो 14 इंच रखते हुए दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए ऐसे निशान लगा लेंगे, और दोनों निशान को देखिए इस प्रकार मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार ये मैंने दोनों साइड में फिटिंग लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पे लटकन तैयार कर लेंगे। तो देखिए पहले मैं लटकन के लिए ये कपड़ा कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने लाइनिंग लिया है, तो देखिए लाइनिंग को मैंने यहाँ पे डबल करते हुए रखा है, और यहाँ से देखिए ऐसे 2 इंच लेते हुए पूरी गोलाई में निशान लगा लूँगी। थोड़ा बड़ा साइज अगर ब्लाउज हो तो यहाँ पर 2.5 इंच भी ले सकते हैं, और देखिए इसी निशान पर ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार मैंने कुछ और लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग किया है। इसको देखिए ऐसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए ऐसे गोलाई में सिलाई कर लेंगे, और सिलाई करने के बाद देखिए जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऐसे कटिंग कर देंगे, और इसको देखिए इस प्रकार सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसे किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे इस साइड से, और उसके बाद देखिए ऐसे बराबर कटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार ये मैंने पूरा तैयार कर लिया है। अब देखिए ये ब्लाउज को लेंगे, और ये जो डोरी है लटकन वाला इसको इस प्रकार बीचों बीच रखेंगे, और ऐसे रखते हुए देखिए यहाँ पे ऐसे सिलाई कर लेंगे।
देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार एक एक इंच की दूरी पे सभी को सिलाई करते हुए यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस प्रकार ये लटकन तैयार हो जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार ही मैंने दोनों लटकन तैयार कर लिया है। तो पहनने के बाद इसकी फिटिंग बहुत ही सुंदर आएगा। तो इस प्रकार आप बनाइए और ट्राई कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। और चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।